नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली के लिए किसानों का जत्था अब निकल चुका है और ऐसे में संसद कूच की तैयारी में और दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति फिलहाल किसानों को दे दी है। यानी कि 200 किसानों एक साथ कर सकते हैं प्रदर्शन। और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए किसान तो लंबे समय से इस मांग को सामने रख रहे थे किसान कि संसद की इजाजत उन्हें भी जंतर मंतर पर दी जाए, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब पुलिस ने यह अनुमति दे दी है और 200 किसान एक साथ प्रदर्शन कर सकेंगे। यानी कि आज से संसद की तरह ही आज किसान संसद भी चलेगा जंतर मंतर पर, और इसके लिए मंच भी तैयार किया गया, लेकिन अनुमति केवल 200 किसानों को रहेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इन तमाम किसानों से पहले ही लिखित तौर पर ले लिया गया है और ये कहा गया है कि इनमें से किसी एक को मॉनिटर के तौर पर रखा जाएगा और अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसी शख्स से ली जाएगी। तो ऐसे में ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 200 किसान एक साथ आज प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर। सुबह 10 बजे से लेकर के रवाना होंगे सिंघू बॉर्डर से तमाम किसान और 11 बजे से इनका ये संसद शुरू होगा जो कि किसान संसद कहलाया जा रहा है, और ऐसे में शाम 5 बजे तक चलेगा और शाम 5 बजे के बाद दोबारा इन सभी किसानों को बसों में वापस भर करके सिंघू बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीर देखिए कैसे किसानों का संसद कूच देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए तमाम पुलिस कर्मियों को तैनाती किया गया है और कैसे बॉर्डर्स पर यहाँ पर कटीले तारों का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर पुलिस कर्मी और सुरक्षा बल भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से ऐश्वर्य जैन हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त क्या माहौल आपको नजर आ रहा है, किस तरीके की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि संसद कूच करने की तैयारी जिस तरीके से किसानों की थी, अब उनका ये जत्था वहां से रवाना हो चुका है जंतर मंतर आने के लिए। प्रदर्शन कर पाए उसके लिए अब जो पहला जत्था है वो किसानों रवाना हो गया है। बसों में ये किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे और तमाम इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस अब कोई भी ढील नहीं देना चाहती और इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमको बता दें, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि कोविड काल चल रहा है और इस दौरान लेनी होगी पूरे तमाम घटनाक्रम की, और इसीलिए अब चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच किसानों को परमिशन दी गई है। राकेश टिकैत ने जब इंडिया न्यूज से बातचीत करी तो उनका वो जरूर किसानों की आवाज उठाएं और अगर वो जंतर मंतर पर भी उनके साथ प्रदर्शन करने आना चाहते हैं तो व्यवस्था की जाएगी। जिन किसानों के पास वो आई कार्ड रहेगा केवल उन्हें इस प्रदर्शन के तहत में अनुमति मिलेगी, और जिनके पास अगर आई कार्ड नहीं पाया जाता है तो उन्हें इस प्रदर्शन से बाहर देखिए की गई है। क्योंकि लगभग पिछले एक से डेढ़ हफ्ते तक जब से संयुक्त किसान मोर्चा जो स्थान बाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 200 लोगों को हर दिन आईडी कार्ड इशू किया गया है और पर कहना था 200 लोग ही जा रहे हैं, 200 लोग जो तमाम यहाँ पहुंचे, और उससे ठीक पहले जो राकेश टिकैत हैं उनका एक टिकैत और एक पैनल किसानों का वो यहाँ से रवाना हो चुका है। गाजीपुर पास में जो प्रदर्शन होना है वो भी शांतिपूर्ण रहेगा, कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा जो सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइंस दी हैं उनका भी पूरी तरह से पालन जो है वो किया जाएगा। राकेश टिकैत को बताए गए हैं जो जारी किए गए हैं वो अकॉर्डिंगली ही सब कुछ किया जा रहा है और प्रदर्शन करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों से बात हुई है जो संसद के किसानों की आवाज, तो इस तरह से किसानों ने ये पूरा खाका तैयार किया है जिसमें विपक्षी सांसद हैं वो किसानों की आवाज बुलंद करेंगे। इस खाके का क्या किया जी? ठीक, लेकिन जतिन अनुमान तो ये भी जताया जा रहा है कि जिस तरीके से 26 जनवरी तो उस आशंका को की वजह से बताया जा रहा था कि लंबे समय से किसान प्रयासरत लेकिन अनुमति नहीं मिल रही थी। आगे जब किसानों की तरह इस बात के लिए कहा गया, इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे किस तरीके की सड़कों पर देख रहे कटीले तारों का प्रयोग भी किया गया है बैरिगेटिंग करने के लिए, तो ये इतने बड़े इंतजाम उनके मन में आशंका है। देखिए दिल्ली पुलिस ने ये चिंता जाहिर की थी और किसानों से बात की, लेकिन किसान का कहना है कि महज 200 किसान हैं जो इस प्प्रदर्शन का हिस्सा होंगे और साथ ही साथ किस तरह देखिए जहां पर जत्थे हैं वो लगातार किसानों के पहुंच रहे हैं। ये एक और किसानों ने साफ कर दिया कि इसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ही जो अपने प्रदर्शन है वो करेंगे। 26 जनवरी कुछ नहीं होगी तरह से साफ कर दी गई है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रही है, जिसको ध्यान में रखा जा रहा है कि
इस किसान आंदोलन के बीच में कहीं कोई आतंकी शामिल था, तो उस पर राकेश टिकैत ने सवाल पूछा। राकेश टिकैत का कहना है कि अपनी तरह से उन्होंने किसानों को अलर्ट पर रखा है। किसान यहाँ पर मौजूद है या जहाँ जहाँ वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर किसी कोई असामाजिक तत्व उसमें शामिल होकर किसी गड़बड़ी को फैलाने की कोशिश ना करे। जी ठीक है, लेकिन जो इस तरीके से हमने पिछले बार भी देखा था कि खालिस्तानी एंगल भी देखने को मिल गया था 26 जनवरी के दिन पर, और मोड पर रहने को दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा बलों को कहा है कि आप अलर्ट मोड में रहें, क्योंकि खालिस्तानी संगठन बार बार ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो किसानों का ये धरना प्रदर्शन लंबे वक्त से चल रहा है इस प्रदर्शन का हिस्सा वो बने, और उसके बाद से जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन पर हिंसा की गई थी उसी तरीके से एक बार फिर से हिंसा को अंजाम दिया जा सके। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो अलर्ट है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से ऑलरेडी है और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भी है, और उस पर जो किसान हैं उन्होंने अपनी तैयारी भी की है। जाहिर है चिंता जरूर है और उस चिंता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल उस चिंता के मद्देनजर ही मैं आपको जो तस्वीरें वो दिखाता हूं। सुरक्षा व्यवस्था देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर भी इसी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार बनी हुई है, और जब हमने देखा था कि पिछली 26 तारीख को जब इस आंदोलन को पूरे 7 महीने हुए थे तब भी ये अलर्ट जो है आया था, और उस अलर्ट के बाद भी यहाँ पर जो सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम है वो पूरी तरह से किए गए थे, और जैसा कि मैंने बताया कि किसानों ने अपनी तरफ से भी इंतजाम करने की बात जो है वो कही है। जी ठीक जतिन, लेकिन आपके आसपास में कुछ किसान भी नजर आ रहे हैं, आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप एक बार जरूर प्रयास करें उन तमाम किसानों से बातचीत करने की और इस बारे में जानकारी जुटाने की कि आखिर जो संसद का एक तरीके से एक रूप वो आजमा रहे हैं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके, और उनका यही कहना है कि जैसे संसद में मानसून सत्र चल रहा है वैसे किसान संसद जंतर मंतर पर चलाया जाएगा, तो इससे वो आगे की रणनीति किस तरीके से आजमा रहे हैं? देखिए, आगे की रणनीति किसानों से पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो बैठे हुए हैं और हम उन तक जाकर इस बात को पूछने की कोशिश करते हैं कि आगे और क्या कुछ रहने वाला है। आप देखिए, वक्त सुबह का है तो जाहिर है ऐसे में जो चाय है फिलहाल किसानों की यहाँ पर चल रही है। साहब ये बताइए, आज पार्लियामेंट वाला दिन है, पार्लियामेंट पर किसान संसद होने जा रही है आप लोगों की, राकेश टिकैत साहब निकल चुके हैं, क्या आगे की रणनीति और हो रही है? आगे की तो भाई वहाँ आज पता लगेगा क्या होगा, आज वहाँ पता लगेगा क्या होना है, और जाकर उन्होंने कुछ हरकत करी तो आकर फिर चढ़ जाएगी पब्लिक वहीं जाकर। हाँ, हालांकि क्योंकि देखिए राकेश टिकैत साहब ने कहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से है, तो सुनिश्चित कर रहे हैं इस बात को? शांति से ही है भाई, 8 महीने हो गए शांति से ही है। और किसान है उनसे पूछ लेते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो इस तरफ से आकर अगर प्रयास करें तो हम एक और किसान है उनसे बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। आप बताइए साहब, आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? सब कुछ शांतिपूर्ण रहने वाला है हालांकि, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और मांग मानी जाएगी, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखो सुनो मेरी बात, आज ये गए आज पता लगेगी, रहे सरकार की दबाव की बात, लोकतंत्र में जनता के मारे सरकार के दमले कट जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की सरकार हो, और ये देश भारत जो है किसानों का देश है। किसानों ने हालांकि ये रणनीति तैयार की है कि बाहर किसान रहेंगे संसद के और अंदर विपक्षी सांसद उनकी आवाज उठाएंगे, तो ये एक नई रणनीति कहें 8वें महीने में संसद के बाहर और भीतर दोनों तरफ से सरकार पर जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है, तो इससे लगता है कि जो मांग है वो पूरी हो पाएगी? नहीं, मांग तो पूरी आज ना कल होनी है ही, मांग को तो कोई मतलब ही नहीं है कि पूरी ना करें ये, लेकिन संसद तक जान देंगे जब ही, तो इन्हें तो बदबू आ रही है हमें, अब तो इन्हें हम में से इतनी बदबू आवे कि जो लोकतंत्र को मंदिर है वहां जाने पे भी मनाइए कि भाई वहां भी मत जाओ। हालांकि इजाजत दी है दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की। हाँ दही, अब देखो कहां तक जान देंगे, अब ये तो पता नहीं। आप सुन सकते हैं कि किसान भी सकारात्मक हैं अपने आंदोलन को लेकर कि जो मांगे हैं वो पूरी जरूर होंगी, और इसीलिए लगभग 8 महीने इस आंदोलन को हो गए हैं। जी ठीक जतिन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि कैसे किसानों का आंदोलन लगातार बरकरार है और अब आज किसान संसद भी लगाया जा रहा है जंतर मंतर पर, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कि पिछले कई महीनों से किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल गया है और किसान आज संसद घेराव की तैयारी में है। हालांकि पुलिस की ओर से किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। सुबह के वक्त दिल्ली निकले समय किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए।
इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं वो रवाना हो रहे हैं। आज का दिन किसानों के आंदोलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है और यहां पर आप देख सकते हैं कि किसान पहले की तुलना में फिर से काफी संख्या में यहां पर एकत्रित हो चुके हैं और राकेश टिकैत इस समय निकलते हुए पार्लियामेंट के बाहर किसान संसद वो लगाने वाले हैं। राकेश टिकैत को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहां से जब वो निकलेंगे तो पुलिस उनको एस्कॉर्ट करेगी और इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने ये कहा है कि अगर पुलिस एस्कॉर्ट करेगी वो पूरी तरह से तमाम नियमों का पालन करेंगे। दिल्ली में जाना है और वहां पर अपनी आवाज उठानी है। इसके विषय में उनकी जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उनसे भी बातचीत हो चुकी है। वो संसद के अंदर किसानों की आवाज उठाएंगे और राकेश टिकैत ने कहा है कि संसद के पास जो प्रोटेस्ट होगा वहां पर किसान अपनी आवाज उठाएंगे। यानी कि दोनों तरफ से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की ये पुरजोर कोशिश किसानों की तरफ से है और मैं एक बार कोशिश करूंगा ये दिखाने की कि जो संख्या है किसानों की वो यहाँ पर फिर से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब यहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनकी संख्या में काफी कमी देखी गई थी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर किसान जो है काफी भारी संख्या में और 200 की संख्या में जो किसान हैं वो रहेंगे संसद के पास में, प्रदर्शन करेंगे। जब तक मानसून का ये सत्र चलेगा तब तक किसान इसी तरह से संसद के पास डेरा जमाएंगे, ये बात उन्होंने साफ कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। इस समय हम गाजीपुर बॉर्डर के पास किसान क्रांति गेट पर मौजूद हैं और आज किसान खुद एक संसद लगाने जा रहे हैं, जैसा कि किसानों का कहना है। दरअसल ये एक प्रोटेस्ट है जो संसद के पास होगा। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, आज का थोड़ा प्रोग्राम जानना चाहेंगे। प्रोग्राम में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां पे मीटिंग हमारी होगी, किसान संसद वहां पर लगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, 200 लोग उसमें शामिल होंगे। संसद के पास किसान संसद, ये किसान संसद क्या है, थोड़ा इसको हम विस्तार से। किसान संसद भी हो सकती है, कि संसद शब्द कहना तो कोई गलत थोड़ा है भाई, उसके बाहर संसद तो कहेंगे, उसके बाहर पंचायत लग रही है तो उसको हमने किसान संसद का नाम दिया है। आप खुद मौजूद रहेंगे? हाँ, मौजूद रहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि एक व्हीप जारी किया है किसानों ने भी, विपक्ष के जो सांसद हैं उनको, क्या है इस व्हीप का? क्योंकि देखिए संसद में व्हीप का बहुत महत्व होता है, तो आपकी तरफ से एक व्हीप सांसदों को दिया गया है, क्या है ये सचेतक, क्या है? ये दिया है कि वहां से वापसी नहीं आना, अपनी बात कहना, उसका वॉकआउट करके बाहर नहीं निकलना और कोई भी विपक्ष का आदमी बात नहीं रखा अगर वहां से संसद को, पार्लियामेंट को छोड़ के बाहर आएगा तो जब चुनाव होगा या वहां के क्षेत्र की जनता होगी तो उस पे भी बता जाएगा। जैसे सत्ता पक्ष के खिलाफ वो करते हैं, ऐसे ही विपक्ष के खिलाफ भी लामबंद जनता होगी। यानी ये कहें कि संसद में जिस तरह से व्हीप का उल्लंघन होता है और फिर संबंधित को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो आप BKU के वोटों से उसे अयोग्य? किसान की उससे, जनता के बीच में जिस जनता ने उसको बना के भेज रखा है उस जनता की बात वहां पे वो उठाए, अगर नहीं उठाएगा तो उसके क्षेत्र में बताएंगे ये वहां से बात नहीं उठाई, ये इस योग्य नहीं है कि इसको वोट दी जाए। ये और जानना चाहेंगे कि अभी दिल्ली पुलिस को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि हमने देखा सुबह एक लेटर आया जिसमें ये कहा गया है कि वाटर कैनन तैयार रखा जाए, आंसू गैस तैयार रखी जाए, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? तो सारी चीज रखी जाए और क्या करेंगे उसमें, गोदाम में पड़े पड़े भाई रहने चाहिए, तो दिल्ली पुलिस का अपना काम है, फोर्स फोर्स का। हम भी तो ट्रैक्टर तैयार रखे हैं, हम भी तो कहेंगे डीजल भरवा कर तैयार रखो, बड़े पंप पर लगा कर तैयार रखो भाई, हमारे पास में ये है, उनके पास में वाटर कैनन है, तैयार तो रहना चाहिए, तैयार सब चीज रहनी चाहिए। गाजियाबाद में क्या?